हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी रसोई यानी आस्था की रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं पालक कॉर्न की सब्जी। तो चलिए देखते हैं उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पालक को धो के ले लिया है, उसका पानी अलग से निकाल दिया है और यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा है। हम पालक पालक को बॉईल नहीं करेंगे, सब ब्लांच करेंगे। तो पानी जब हमारा बॉईल हो जाएगा तब हम गैस को बंद करके इसमें पालक को डाल देंगे ताकि वो उसमें अच्छे से भीग जाए। और यहाँ पे हम इसमें एक चम्मच चीनी डाल देंगे। ऐसा करने से जो पालक का जो ग्रीन कलर है वो अच्छा उभर के आता है, अच्छा दिखता है। और इसको थोड़ा देर इसमें डूबे रहने देंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा तेल गरम होता है जो हमारा पालक है हम उसे निकाल देंगे पानी से, ठंडा और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। हमारा तेल गरम हो रहा है फ्रेंड्स, तब तक मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 6 से 7 कली लहसुन के और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा तेल जो है गर्म हो चुका है, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, सरसों, या आप यहाँ पे चाहें तो तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। जब हमारा जीरा और सरसों कड़क जाएगा तब हम इसमें जो हमने प्याज का पेस्ट डाला बनाया था उसे डाल के अच्छे से भूनेंगे मीडियम हाथ में। जब तक हमारा प्याज का पेस्ट थोड़ा सा भून रहा है हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 टमाटर। अगर आप पालक में टमाटर नहीं डालना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 2 हरी मिर्च, ये दोनों को भी हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, हमारा प्याज का पेस्ट थोड़ा सा भून गया है, जो हमने टमाटर ग्राइंड किया था उसे डाल देंगे, इसे अच्छे से भून लेंगे। हमारा मसाला थोड़ा भून चुका है। अब हम यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर अपने स्वाद के अनुसार, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, इसकी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा डालेंगे इसमें हल्दी का पाउडर। और अगर आप चाहें तो इसमें धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं भी डाल रही हूँ, और ना चाहें तो ना डालें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भुनेंगे। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाल रही हूँ जो सब्जी मसाला आता है वो, थोड़ा सा ऐसे मिक्स करके अच्छे से भूनने देंगे जब तक हमारा कढ़ाई तेल ना छोड़े। जब तक हमारा मसाला थोड़ा भून रहा है हमने जो पालक ब्लांच किया था उसको हम पीस के निकाल लेंगे। हमारा मसाला जो है भून चुका है, देखिए कढ़ाई छोड़ दे रहा है और हमारे चम्मच में भी नहीं चिपक रहा, मतलब हमारा जो मसाला है वो भून चुका है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें नमक। यहाँ पे मसाला जब हमारा भून गया है तो मैं यहाँ पे डालूंगी कॉर्न। कॉर्न आप अपने हिसाब से, अगर ज़्यादा खाना पसंद करें तो क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे मैंने फ्रोजन कॉर्न लिया है, इसे मैंने बॉईल नहीं किया है। अगर आप फ्रेश कॉर्न लेंगे तो उसे एक बार बॉईल कर लीजिएगा। अब इसे हम यहाँ पे कॉर्न को डाल देंगे और मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम कॉर्न को भी इसमें अच्छे से भूनने देंगे ताकि थोड़ा सा हमारा जो मसाले हैं उसको एब्जॉर्ब कर ले। थोड़ी देर भून लेंगे। अब हमारा कॉर्न जो है थोड़ा सा इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पे जो पालक हमने पीसी थी उसके प्यूरी को डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो बर्तन में पालक रखा था उसका थोड़ा सा धो के पानी भी डाल देने हैं। मैं यहाँ पे पालक को थोड़ा सा भूनना है। देखिए इसका कलर थोड़ा सा चीनी डालने से कितना नेचुरल ग्रीन आया है, चेंज नहीं हुआ है। तो थोड़ा देर हम पालक को ऐसी भूनने देंगे, अच्छे से थोड़ा देर ढक के रख देंगे देंगे। देखिए 5 मिनट हो गए थे इसे ढककर पकाते। अगर आप चाहें तो इसे और पतला करना चाहें तो अपने हिसाब से इसमें अपनी कंसिस्टेंसी कर सकते हैं इसकी। यहाँ पे आप जो पालक हमने ब्लांच किया था वही वो पानी को यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, नॉर्मल पानी के बजाय। मुझे इतना ही पसंद है तो मैंने इसको इतना ही रखा है। और 2 मिनट में इसे और पकाऊंगी थोड़ा सा। चलिए 2 मिनट हो गया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे, आप चाहे तो फ्रेश क्रीम यूज़ कर ले, मेरे घर की मलाई थी तो मैंने मलाई डाल रही हूँ। आप काजू का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मलाई डालेंगे थोड़ा सा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट ढक के पका लेंगे। चलिए 2 मिनट हो गए हैं, अब हम
देखते हैं कि हमारी सब्जी जो है तैयार है। इसे गर्मा गर्म एक बॉल में निकाल लेंगे। ऊपर से मैंने इसमें थोड़ी सी मलाई डाल दी गार्निश करके। इसे गर्म गर्म रोटी या पराठे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी किसी रेसिपी को लेकर डिमांड है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना के जरूर शेयर करूंगी आपसे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।